एक्स बग में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आज आपके साथ स्ट्रेट मतलब जल संधि टॉपिक का दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। उसके पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये स्ट्रेट्स का सेकेंड लेक्चर है। अगर अब तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखिएगा तब तक स्ट्रेट्स का बेसिक्स आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बार उसको ज़रूर से देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर इसको ज़रूर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे आपके सुविधा के लिए मैंने कुछ बेसिक्स यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे स्ट्रेट क्या होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो इसका डेफिनेशन होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सेज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है पानी का एक ऐसा संकीर्ण मार्ग जो दो समुद्र या दो पानी के बड़े क्षेत्रों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ध्यान रखना है स्ट्रेट मतलब चैनल जहाँ होता है, पास जहाँ पे होता है वहाँ दो बड़े बड़े लैंड मासेस भी देखने को आपको मिलते हैं। जो चैनल वर्ड होता है, पास होता है, या जो दूसरे वर्ड हम यूज़ करते हैं वो लगभग समानार्थी होते हैं। हालांकि स्पेसिफिकली अगर पढ़ा जाए तो दोनों का मतलब अलग अलग हो सकता है। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, ये पूरा पूरा जो ये एरिया है ये लैंड है, और फिर ये पूरा पूरा एरिया जो है, हिस्सा जो है, ये भी लैंड है, भूमि है। और यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा सा वाटर मास, दो बड़ी बड़ी जल राशियाँ हैं, और ये जो पतला सा पैसेज दिख रहा है जो इसको दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, चैनल, इसी को बोलते हैं जल संधि। तो अब आगे हम जो टॉपिक में बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर, हिंदी होता है डोवर जल संधि। तो अगर इस जल संधि के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखें, इसकी गहराई क्या है, ये कितना चौड़ा है, तो इसकी जो गहराई है, जो न्यूनतम गहराई सॉरी चौड़ाई है वो 33.3 किलोमीटर है, वो 33.3 किलोमीटर का है, जबकि इसकी औसत जो गहराई है वो 46 मीटर है, 46 मीटर ये औसतन गहरा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये किन दो सीज को कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा ये इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, इन दो को कनेक्ट करता है। हिंदी भी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर होता है, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। किन दो देशों के बीच है, तो ये इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। आपको बस दो चीज़ मेनली याद रखना है कि ये किन दो सीज को कनेक्ट करता है और किन देशों के बीच में स्थित है। अगर मैप पे देखिएगा तो ये देख रहे हैं ये इंग्लैंड है, और ये जो पार्ट है यह फ्रांस का है, और बीच में एक पतला सा जो नैरो पैसेज दिख रहा है इसी का नाम है डोवर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये जो सी दिख रहा है ये इंग्लिश चैनल है, और ये उत्तरी सागर है नॉर्थ सी। इसका मतलब ये इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इस सीरीज का सेकेंड जो स्ट्रेट होगा उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, हिंदी इसका होता है जिब्राल्टर जल संधि। इसकी अगर हम न्यूनतम चौड़ाई की बात करें तो लगभग 14.3 14.3 किलोमीटर है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 900 मीटर 900 मीटर है। ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर, इन दोनों को कनेक्ट करता है, और किन दो देशों के बीच है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच है। वंस अगेन स्पेन और मोरक्को के बीच है। मैप में देखते हैं तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं बड़ा सा वाटर मासेस, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, और ये है मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर, और इन दोनों के बीच का जो नैरो पैसेज है इसी को नाम दिया गया है जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्पेन है और ये मोरक्को कंट्री है, इसका मतलब ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। ये याद रखिएगा, बड़ा ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है जिब्राल्टर को लेकर। अगला है कुक स्ट्रेट, हिंदी होता है कुक जल संधि। तो इसकी जो औसतन चौड़ाई है वो 128 मीटर्स है, जो इसकी न्यूनतम गहराई है वो 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो साउथ पैसिफिक ओशियन में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से देश में है, तो ये इंग्लैंड में। ध्यान रखना इसमें कोई दो अलग अलग देश कनेक्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ही देश के बीच में ये स्थित है। मैप में देखिएगा तो ये पूरा जो वाटर मास है, वाटर बॉडी है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और ये जो कंट्री आपको दिख रहा है ये पूरा लैंड,
ये एक ही कंट्री को बिलोंग करता है, दैट इज न्यूजीलैंड। तो ये भी न्यूजीलैंड का पार्ट है और ये भी न्यूजीलैंड का पार्ट है, और बीच में जो ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है पतला सा, उसी का नाम है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। इसीलिए ये किन के बीच है, तो न्यूजीलैंड को ही दो भागों में बांटता है, और किस महासागर में है, तो किसी दो महासागर में नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही पूरा पूरा स्थित है, ये किसी दूसरे को उससे कनेक्ट नहीं करता है। अगला है सुंडा स्ट्रेट, ये भी बड़ा अभी न्यूज़ में रहता है, सुंडा जल संधि। इसको देखते हैं एक बार कहाँ पे है। इसकी गहराई की बात करें तो औसत गहराई 20 मीटर है, 20 मीटर है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 24 किलोमीटर इसकी न्यूनतम चौड़ाई है। ये कहाँ पे है, तो ये जो है इंडोनेशिया मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे पैसिफिक ओशियन नहीं होगा, यहाँ पे इंडियन ओशियन होगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे पैसिफिक नहीं होगा, इंडियन ओशियन होगा। तो ये इंडियन ओशियन और जावा सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये पूरा पार्ट जो है वो इंडियन ओशियन का है, ये जो आपका सामने दिख रहा है ये जावा सी है, जावा सागर है, और ये हिंद महासागर है, और इसको कनेक्ट करने वाला जो पास है इसी का नाम रखा गया सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि। ये किसी दो देश के बीच नहीं है, एक ही देश के बीच है, और कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया है। तो इससे क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि सुंडा जल संधि किस महासागर में स्थित है, तो योर राइट आंसर विल बी हिंद महासागर, और किसको कनेक्ट करता है, तो हिंद महासागर और जावा सागर को कनेक्ट करता है। किस देश को बिलोंग करता है, तो ये इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। इस सीरीज का नेक्स्ट होगा स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि। अब ये रिसेंटली बड़ा चर्चा में था, रीजन कि ये टर्की को बिलोंग करता है, तुर्की एक देश है जिसको बिलोंग करता है, और टर्की जो है यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसीलिए रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको एक बार ज़रूर से ध्यान रखेंगे। इसका जो न्यूनतम चौड़ाई है वो 700 मीटर है, 700 मीटर है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 110 110 मीटर है। ये किसको कनेक्ट करेगा, तो ब्लैक सागर सी एंड मरमरा सी, इसका मतलब काला सागर और मरमरा सागर को ये कनेक्ट करता है। यानी कि एक मरमरा खुद में एक सागर है, तो ब्लैक सी एंड मरमरा सी, काला सागर और मरमरा सागर को ये कनेक्ट करता है। किस देश को बिलोंग करेगा, तो ये टर्की को बिलोंग करता है, कि ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये टर्की का पार्ट है। एशिया, टर्की एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। ये इस्तांबुल है जो दोनों में आपको दिख रहा है। तो ये जो चैनल दिख रहा है, पतला सा पैसेज दिख रहा है, इसी का नाम रखा गया है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि। ये टर्की के अंडर में है, और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये जियोपॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, या इसका चर्चा इसलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दोनों बड़े बड़े वाटर मास को कनेक्ट करने का सिर्फ एक यही रास्ता है, बाकी आसपास में कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए बिजनेस पर्पस ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए, ये चौक कर दिया जाए, तो बहुत सारा बिजनेस हैम्पर होता है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सीरीज में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, अगली सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।